So what we've seen in the last class, we have seen about abstract classes, right? The methods which are defined in abstract classes, abstract methods. So all we have to do is to declare a class as abstract is to put a keyword abstract before the class name. And if we have a single abstract method, then that means the class has to be declared as abstract. अगर एक भी abstract method है तो पूरी class को आपको abstract बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर क्लास अब्स्ट्रैक्ट है तो सारे मेथड भी आपके अब्स्ट्रैक्ट हो। मतलब अगर क्लास अब्स्ट्रैक्ट है और हमारे पास कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, यानी हर मेथड की बॉडी है, वो परफेक्टली सही है टेक्निकली, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक भी मेथड अब्स्ट्रैक्ट हो गया और फिर हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाएंगे क्लास के नाम के आगे, तो आपको कंपाइलेशन में एरर मिलेगी, ठीक है? क्या एरर मिल रही है? The type animal must be abstract class to define abstract method. Because you want to define abstract method, so the class should also be abstract. ठीक है? तो ये रूल आप याद रखेंगे कि even if a single method is abstract, the class has to be declared as abstract. ठीक है? But if a class is abstract, it does not necessarily mean that every or even a single method must be abstract. There is a possibility that all the methods are non-abstract. Abstract class, ठीक है, ये possible है, ठीक है? तो फायदा क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक भी method abstract नहीं है, तो this is just like a concrete class, a normal class, concrete class मतलब normal class, जिसके सारे method का implementation यानी body मौजूद है, करेक्ट? उसी को मैं concrete class बोल रहा हूँ, जिसको हिंदी में बोले तो ठोस, है ना, कुछ भी उसमें loophole नहीं है, ठीक है? तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा सिंपल सा इतना ही है कि अगर इसका हम चाहें एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो वो ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। अगर हम ऐसे कहें, दिस लाइन इज आल्सो क्लियर बट फॉर मोर क्लैरिटी लेट मी से लाइक दिस, एनिमल ए इक्वल टू न्यू एनिमल। नाउ दिस कोड इज नॉट पॉसिबल, दिस कोड इज नॉट पॉसिबल। क्या कह रहा है? कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एनिमल बिकॉज the class animal is an abstract class and there is a possibility that there could be one or more abstract method, there is a possibility, ठीक है? अभी आप reason कर सकते हैं कि we do not have any abstract class, right? So why compiler is not able to see this? Compiler do not know that in future you may choose to add abstract method in this, ठीक है? आगे तो हो सकता है कि आप abstract method add कर दें। तो जब आपने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लगाया है तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन कंपाइलर आपको नहीं दे रहा है। सो यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट और यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे हैव इवन अ सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? So we initially started with animal class being the concrete class. Then we have seen the example of animal class changed to the abstract class, right? And now there is one more thing. We can have this animal as a construct which is not at all class, but rather it is interface. So there is a keyword called interface. ठीक है, अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? कंक्रीट क्लास से अगर हम चले, कंक्रीट क्लास में एक भी मेथड ऐसा नहीं होगा जो अनइम्प्लीमेंटेड रहे या जिसकी बॉडी ना हो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ मेथड आपके बिना बॉडी के हो सकते हैं जो सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर रहे हैं, जैसे कि वॉइड जंप मेथड है, राइट? ऐसा हो सकता है। कुछ मेथड ऐसे होंगे जो जिनकी बॉडी हो, जिनका इम्प्लीमेंटेशन मौजूद हो। तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। उसी बात को कहने का अलग तरीका, जब हम अब्स्ट्रैक्ट कहेंगे तो इसका मतलब मेथड की बॉडी नहीं है, जब हम नॉन अब्स्ट्रैक्ट कहेंगे इसका मतलब मेथड की बॉडी है, जब हम अनइम्प्लीमेंटेड कहेंगे तो मेथड की बॉडी नहीं है, जब इम्प्लीमेंटेड मेथड कहेंगे तो इसका मतलब मेथड की बॉडी है, ठीक है? सेम उसको हम अलग अलग वर्ड से यूज कर रहे हैं, राइट? तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब आपने एनिमल को क्लास की जगह, अभी तक दोनों अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चाहे कॉन्क्रीट क्लास हो, दोनों क्लास थे, और जब क्लास थे तो वो सारे क्लास के ही फंडामेंटल उस पर अप्लाई होंगे।
यानी कोई सब क्लास जैसे कि लॉयन क्लास है उसको अगर एनिमल क्लास से खुद को सब क्लास करना हो यानी एक्सटेंड करना हो तो वो एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज करेगा, ठीक है, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चाहे वो नॉर्मल क्लास हो। अब तक उस कोड में कोई डिफरेंस नहीं आया था, राइट, आपने देखा था। लेकिन जब हम यहाँ पे एनिमल को अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बना करके इंटरफेस बनाएंगे देन इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ वी कैन नॉट हैव एनी मेथड विच इज नॉन अब्स्ट्रैक्ट। सो ऑल आई कैन डू, देखिए इन्हीं दोनों पे आपको एरर दिख रही है ना, ईट पे एरर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, कह रहा है ना, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ये जो जंप है इसके पहले तो अब्स्ट्रैक्ट हमने लिखा है और हमने बॉडीज की नहीं बनाई है, लेकिन इनके पहले अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, ईट के पहले अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, मूव के पहले अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, लेकिन एरर क्या आ रही है, एरर आपको बता रही है कि भाई ये जो मेथड है ये अब्स्ट्रैक्ट है और इनकी बॉडी नहीं हो सकती। एरर तो यही कह रहा है ना, एरर क्या कह रहा है, फिर से एक बार एरर को देख लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, यानी ये मेथड जो ईट है ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और जो कि ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आप इसकी बॉडी नहीं स्पेसिफाई करेंगे, आप इसकी बॉडी नहीं बनाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जब हमने किसी एंटिटी को इंटरफेस डिफाइन कर दिया है तो उसके सारे मेथड्स जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट हो गए, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट हो गए। अगर हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाए तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट ही है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी यानी उनकी बॉडी नहीं होगी, आप बॉडी स्पेसिफाई नहीं करेंगे। देखिए जैसे मैं बॉडी हटा रहा हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दे रहा हूँ तो एरर हमारी चली जा रही है। एक एरर क्या बची हमारी, ये टाइप में बची, इसको हम अभी थोड़ी सी रुक के डिस्कस करते हैं, ठीक है, अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, मेथड के बाद फिर वेरिएबल्स पे आएंगे, ठीक है, या फील्ड पे आएंगे, ठीक है। तो आपने तीन कंडीशन देखी, कंक्रीट क्लास जिसमें सारे मेथड क्या है, नॉन अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट यानी नॉन अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें क्या है, अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड है, ठीक है। इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, इंटरफेस में सारे मेथड सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, आप किसी भी मेथड की बॉडी नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब ये बताइए, क्वेश्चन ये है कि जब अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे तो क्या हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लॉजिकली क्या बनता है, सेंस बन सकता है, बना के देखो, एनिमल है ना, एनिमल इंटरफेस भी चेंज हो गया ना, अब क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ एनिमल, चाइल्ड क्लास अलग बात आएगी, मैं ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहा हूं, मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहा हूं डायरेक्टली अभी, ठीक है, नहीं बना सकते हम, नहीं बना सकते, सेम रीजन, जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी भी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है जिसकी वजह से कंपाइलर हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने नहीं दे रहा है या इंस्टेंशिएट करने नहीं दे रहा है, तो इंटरफेस जिसमें 100% श्योर है कि हर मेथड ही आपका अब्स्ट्रैक्ट होगा तो उसको ऑब्जेक्ट आपको कैसे बनाने देगा, नहीं बना सकते। तो आप ध्यान रखें, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, आप इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो फिर इनके एग्जिस्टेंस का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि इनको आप सुपर टाइप के तौर पर यूज करें, इसका भी, इस दोनों को आप सुपर टाइप के तौर पर यूज करें। डिफरेंस ये है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, यानी कॉमन कोड को ऊपर ले जाना भी पॉसिबल है, और कुछ बिहेवियर जिनका आप जिनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कॉमन कोड, उनको आप डिक्लेरेशन देके छोड़ दें ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाए। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएंगे तो जितने भी सब क्लासेज होंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के, वो उन अनइम्प्लीमेंटेड यानी अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने पर मजबूर होंगे, राइट, दे हैव द लायबिलिटी देन। देखो सिंपल सा रीजन है इसका कि जब आपको लग रहा है कि कुछ कॉमन कोड सारे सब क्लासेस के बीच है, ठीक है, सुपर टाइप की तौर पे यूज करने के अलावा ये भी चीज पिक्चर में आ रही है, तब आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, क्योंकि कॉमन कोड आप इंटरफेस में मूव नहीं कर सकते, बॉडी नहीं है तो मूव ही नहीं कर सकते, राइट, तो वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में मूव कर सकते हैं आप। फिर अगर अनइम्प्लीमेंटेड आपको बिहेवियर देना है तो भी आप ऐड कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो जहां दोनों वर्ल्ड की आपको चीज चाहिए कि आपको सुपर टाइप के तौर पे यूज भी करना है प्लस कुछ अब्स्ट्रैक्शन भी करना है, यानी कॉमन कोड को ऊपर भेजना है, ठीक है,
उस जगह आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे। लेकिन जिस जगह आप प्योरली सुपर टाइप के तौर पे यूज करना चाहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ बिहेवियर का डिक्लेरेशन करना है, ताकि सारे चाइल्ड जो उसके होंगे, सब टाइप्स होंगे, चाइल्ड क्लासेस नहीं कह रहा हूँ, सारे चाइल्ड जो होंगे यानी सब टाइप्स होंगे, वो सारे के सारे उन मेथड्स को इंप्लीमेंट करें। दे शुड बी ऑब्लाइज्ड टू इंप्लीमेंट एवरी अब्स्ट्रैक्ट मेथड व्हिच इज डिफाइंड इन द इंटरफेस, बिकॉज दैट्स बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सुपर टाइप। और जब आप याद है आपको, जब एनिमल ए इक्वल टू न्यू कैट करते थे, तो आप उन्हीं मेथड को कॉल कर पाते थे जो एनिमल में डिक्लेयर होता था एज अ सुपर टाइप। सो दैट्स एन ऑब्लिगेशन, दैट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो इफ यू हैव टू कीप समथिंग एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इट शुड बिकम द ऑब्लिगेशन ऑन द सब टाइप टू इंप्लीमेंट इट, देन मेक इट अ इंटरफेस। बट यू डू नॉट हैव द नेसेसिटी टू ब्रिंग सम कॉमन कोड ओवर देयर, यूज इंटरफेस इन दैट केस। ठीक है, क्लियर होगी बात? बात है, जब भी आप सुपर टाइप चूज करेंगे तो किस टाइप का चूज करें, आप अपग्रेड क्लास चूज कर रहे हैं, अपस्ट्रैक्ट क्लास चूज कर रहे हैं या इंटरफेस चूज कर रहे हैं, देयर हैज टू बी सम सेंस बिहाइंड योर चॉइस। ठीक है, कुछ लॉजिक होनी चाहिए, बिना लॉजिक के आप ऐसे ही चूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट अपस्ट्रैक्ट क्लास, यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट द इंटरफेस। ठीक है, एक डिफरेंस और आएगा, अब तक जो चाइल्ड होते थे, चाइल्ड में देखिए आप एक्सटेंड एनिमल करते थे, ये कोड तब तक चल रहा था जब तक क्लास आपका एनिमल क्लास जो था वो अब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो भी चल रहा था, राइट? लेकिन जैसे ही आपने उसको इंटरफेस बनाया, ये कोड आपका काम करना बंद कर देगा। एक्सटेंड वाला कोड क्या बोल रहा है, द टाइप एनिमल कैन नॉट बी द सुपर क्लास ऑफ अ लाइन। सुपर क्लास नहीं हो सकता, सुपर टाइप हो सकता है, जान दो। द टाइप एनिमल कैन नॉट बी सुपर क्लास ऑफ द लाइन, अ सुपर क्लास मस्ट बी अ क्लास ओनली। क्योंकि आप यहाँ एक्सटेंड लगा रहे हैं ना, एक्सटेंड का मतलब इसको सुपर क्लास बना रहे हैं, सुपर टाइप नहीं बना रहे हैं। अगर आपको सुपर टाइप बनाना है, ठीक है, तो चूंकि ये इंटरफेस है, इसलिए अब आपको तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड क्यों उनके दिमाग में आया होगा आप बताइए। नहीं, वो तो ठीक है, चेंज कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट्स ही क्यों चूज किया, कुछ और क्यों नहीं चूज कर लिया? इम्प्लीमेंटेशन हो रही, सारे मेथड जो डिफाइंड है इंटरफेस में वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, और हर मेथड का हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है। दैट मेक सेंस, ठीक है, कि हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड एज अ कीवर्ड यूज करें, तो हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक है उसके पीछे, क्यों चूज किया गया है। ठीक है, एक्सटेंड क्यों चूज किया गया, क्योंकि चाइल्ड क्लास एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता था, प्लस इनहेरिटेंस, दोनों चीजों से बिहेवियर थी। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो लिमिटेड है, कितने किस लेवल तक, कॉन्ट्रैक्ट के लेवल तक। इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी है, राइट? अभी देखिए एरर क्या दे रहा है, अभी एरर दे रहा है, द टाइप लाइन मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या कह रहा है, इनहेरिटेड मेथड नहीं कह रहा है, इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड एनिमल डॉट मूव। एनिमल में क्या दो मेथड थे, दो के थे, तीन थे एनिमल में, तीन मेथड थे, राइट? ईट, मूव एंड जंप, राइट? लाइन में क्या है, ईट है, वी हैव टेल कुड बी एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यहां भी हो सकता है। ठीक है, ईट है, ईट का उसने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इंप्लीमेंटेशन यहां भी प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां भी हम इसको बोलेंगे ओवरराइड ही करा है ना। हालांकि एक्चुअल डिफिनेशन वहां प्रेजेंट नहीं थी, वहां सिर्फ डिक्लेरेशन था, फाइन, लेकिन क्या हम इसको बोलेंगे, इससे ओवरराइड कर दिया है। तो ओवरराइड करके ईट मेथड का इंप्लीमेंटेशन सब टाइप में, जो कि लाइन है, क्लास है, उसमें प्रोवाइड कर दिया गया, किस मेथड का, जो कि सुपर टाइप इंटरफेस एनिमल से आ रहा था, राइट? ठीक है, दो और इनहेरिटेंस थे, दो और बिहेवियर का इनहेरिटेंस था, कौन सा था, मूव एंड जंप, राइट? आप यहां पे जब इस पे करेंगे तो ये आपको टू क्विक फिक्सेस दिखा रहा है ना। तो एक कह रहा है मेक द टाइप लाइन अब्स्ट्रैक्ट, या तो लाइन को आप अब्स्ट्रैक्ट कर दें, अगर आप लाइन को अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, लाइन के पास अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो जो बिहेवियर अब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर आ रहे हैं, वो आप एज इट इज का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि अब दोनों चीजें आपके पास अलाउड है। बात समझ आ रही है? लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी सेव करने के बाद वाइट लाइन में। ये कोड पे कुछ दिक्कत थी ना, इसे दो कोड था, ये यहाँ पे, हाँ, ये दूसरे उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये देखिए, ये दिक्कत क्या आ रही है, अब वाइट लाइन कंप्लेंट कर रहा है, जो कि थर्ड लेवल का चाइल्ड है,
grandchild है वो complete कर रहा है the type lion white lion must implement the inherited abstract matter animal dot move. वो कहाँ से आ रहा है? Animal से आ रहा है, क्योंकि animal dot move आया lion के पास. Lion को आपने कहा कि हम इसको abstract रखते हैं, ये unimplemented भी रह सकता है, implemented भी रह सकता है. तो जो lion ने फिर complete नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब उसका जो immediate child होगा वो complaint करेगा, और ये complaint तब तक चलती रहेगी जब तक एक concrete class आप बनाते हैं जिसको आप जो उसको अपने सुपर टाइप के सारे एलिमेंट सारे इंप्लीमेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. बात क्लियर होगी? कहीं ना कहीं उसका इंप्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि कंक्रीट क्लास है, और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके रेफरेंस वेरिएबल जो कि सुपर टाइप का हो सकता है उस पर जब मेथड कॉल करेंगे तो उसका इंप्लीमेंटेशन रन करने के लिए चाहिए उसको. क्लियर है भाई? दूसरा ऑप्शन क्या था लाइन के पास? Add unimplemented method, ये कह रहा है ना? तो अगर add unimplemented method करेंगे, देखिए move और jump दोनों की body बन के आ गई यहाँ पर. आप इसके अंदर कुछ code लिखे ना लिखे implementation हो गया उसका, body curly braces बन के आ गई, मतलब implementation हो गया उसका. अब complaint आपकी खत्म, जैसे आपने save किया complaint खत्म. White line में जो complaint दिख रहा था वो भी अब खत्म, क्योंकि उसके एक लेवल पहले ही वो मेथड इंप्लीमेंट हो गए. अब व्हाइट लाइन के पास जो आ रहा है वो सारे इंप्लीमेंटेड मेथड आ रहे हैं. गैस क्लियर है? टेस्ट रूम में क्या एरर आ रहा है अभी? एनिमल का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते. एनिमल की जगह हम किसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? लाइन का बना सकते हैं, क्योंकि लाइन अब अपसेट क्लास नहीं है, या व्हाइट लाइन का भी बना सकते थे, ठीक है. लिस्ट में हम एनिमल को ऐड नहीं कर सकते, हम लॉयन के ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, भले ही वो रेफरेंस वेरिएबल उसका एनिमल हो, ठीक है. कैस क्लियर है? एनी डाउट? कुछ डाउट हो तो पूछ लो. टेस्ट जो कह रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं क्लाइंट कोड, ये यूज कर रहा है. देखो पेरेंट जो सुपर टाइप था वो एनिमल था, ठीक है, वो इंटरफेस था, उसको इंप्लीमेंट किया लॉयन ने. लॉयन जो है क्लास है, चाहे ये क्लास हो चाहे स्टेट क्लास हो, दोनों ही केस में जो व्हाइट लाइन होगा वो एक्सटेंड करेगा लॉयन को, ठीक है. क्लियर हुआ बात? और जो टेस्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ क्लाइंट कोड, दिस इज जस्ट अ क्लाइंट कोड विच इज यूजिंग एनिमल लॉयन व्हाइट लाइन एंड एवरीथिंग, ठीक है. गाइस क्लियर है? यहाँ क्यों एरर आ रही है बताओ? क्या ए, वही कह रहा होगा, देखो डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ए नाम से एक एनिमल टाइप का वेरिएबल आपने ऑलरेडी बना रखा है, इसके लिए वो प्रॉब्लम कर रहा है. उसको आप या तो चेंज कर दो या डिलीट कर दो, जो चाहो करो, ठीक है. Error will resolve, right? ठीक है. एनिमल की टाइप हायरार्की एक बार देखते हैं. ये तो स्ट्रिंग दिखा रहा है. देखिए एनिमल के आगे क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है ब्लू सर्कल में, राइट? दैट मींस इट्स अ इंटरफेस. लॉयन का क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है. इट्स अ क्लास एज वेल एज अ कंक्रीट क्लास, ठीक है. और क्या था? कैट और व्हाइट लाइन दोनों किसके किसके सब चाइल्ड है? लॉयन के हैं. अगर लॉयन हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता चेंजेस? एक्स यहां लगाना है ना, सही है, फाइन. क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं ना, बता रहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, पहले लगाएंगे उसको. अब टेस्ट जू में क्या डिफरेंट डिफिकल्टी आई? लाइन का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, क्योंकि लाइन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया. व्हाइट लाइन बना सकते हैं, तो ये कोड हमारा कमेंट करना पड़ेगा हमको. और कोई डिफिकल्टी है टेस्ट लाइन में? देखिए यहां भी लाइन का ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसको न्यू व्हाइट लाइन कर दें, ठीक है.
यहाँ भी लाइन का है, इसको भी व्हाइट लाइन कर दे, क्योंकि आप कंप्लीट क्लास है, व्हाइट लाइन है आपका, ठीक है। और क्या है, फाइव, अब एक बार फिर से टाइप हायरार्की देखिए एनिमल की, अब क्या दिख रहा है, कोई डिफरेंस आया नजर? एनिमल के आगे आई है, ब्लू आई है, लाइन के आगे ए लिख करके आ रहा है ना, एक छोटा सा ए बन के आ रहा है, दैट मींस इट्स अ क्लास बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। उसके दोनों जो चाइल्ड है कैट, कैट भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेगा, लायन ने इंप्लीमेंट्स यूज करा है एनिमल के लिए, लेकिन कैट एब्स्ट्रैक्ट यूज करेगा लायन के लिए, व्हाइट कैट एब्स्ट्रैक्ट यूज करेगा लायन के लिए। और ये दोनों जो दिख रहा है इसमें कहीं भी ए नहीं लगा है, इसका मतलब ये कंक्रीट क्लासेस है। तो पहला वाला इंटरफेस हुआ, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ, तीसरा चौथा जो दिख रहा है वो कैट और व्हाइट लाइन, ये क्या है, नॉर्मल कंक्रीट क्लासेस है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे देख करके। अब आते हैं, अब तक हमने लिस्ट की बात करी थी, राइट, लिस्ट का देखिए, अब तक मैं बार बार इस बात से अपने को रोक रहा था कि लिस्ट को मैं क्लास बोलूं, हमेशा सुपर टाइप कह रहा था, राइट, क्यों, क्योंकि क्लास लिस्ट नहीं है, लिस्ट आपका क्या है, इंटरफेस है, राइट। अरे लिस्ट जो है वो क्लास है, इट्स अ कंप्लीट क्लास, ठीक है। अब लिस्ट को इंटरफेस बनाया, इसका मतलब जितने मेथड आप लिस्ट के रेफरेंस वेरिएबल L1 के लिए आप यूज कर रहे हैं, चाहे एड हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, सॉर्ट हो गया, देयर आर सो मेनी मेथड्स इन फैक्ट, ठीक है, जितने भी मेथड्स आप यूज कर रहे हैं वो किसमें डिफाइंड है, एक्चुअली लिस्ट पे डिफाइन है, क्योंकि आप रेफरेंस वेरिएबल पे मेथड कॉल कर रहे हैं, कंपाइल टाइम में वही कंपाइलेशन एरर नहीं शो करेगा जो कि लिस्ट के अंदर डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है रादर, अब इंटरफेस की बात हो गई तो डिक्लेयर्ड है, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट का पार्ट है, राइट। तो इसका मतलब ये सारे मेथड जो है, देखिए लिस्ट के अंदर जो सारे मेथड है, अगर आप देखिए यहाँ पे पूरा मेथड दिखाएगा, एड दिख रहा है, एड का ओवरलोडेड वर्जन, यानी किसी इंडेक्स पोजिशन पे आप एड कर सकते हैं, और जहां पे आप ई दिख रहे हैं ना, ई लिखा हुआ, E का मतलब कि वो जेनरिक के एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, कि मैंने अगर एलिमेंट यहाँ पे जेनरिक में, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल में एनिमल कहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस टाइप का एनिमल आपने कहा है उस टाइप का एनिमल यहाँ पास करेंगे आप, क्लियर है। यहाँ पे सिंपली आप ऐड करेंगे एनिमल टाइप का तो वो लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन अरे लिस्ट का हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट का हो, वो था लिस्ट, ठीक है। और भी लिस्ट है, मैं दो प्रोमिनेंट जो यूज होते हैं उनका एग्जांपल दे रहा हूं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपके प्रैक्टिकली आपके प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस एड मेथड का मेथड क्या, मतलब क्या हुआ, देखिए इंडेक्स बता रहा है, ई एलिमेंट बता रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। इंडेक्स का मतलब कि अब तक आप लास्ट में ऐड करते थे, आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना चाह रहे हैं, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सेम जीरो से जीरो वन टू, अगर आप टू पे ऐड कर रहे हैं, यानी थर्ड एलिमेंट को आप ऐड करना चाह रहे हैं, और थर्ड एलिमेंट जो है शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो अरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, ठीक है। तो आप इंडेक्स पोजीशन बता रहे हैं और साथ में एलिमेंट बता रहे हैं, एलिमेंट का टाइप ई है, ई मतलब वो टाइप जो आपने यहां बता रखा है लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर एज ए जेनरिक, आई बात समझ में, उसी का कंपेटेबल होना चाहिए। तो इस लिस्ट में क्या जाएगा, ये अरे लिस्ट है, और इस लिस्ट L1 में क्या जाएगा, एनिमल का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं आप, या जो कुछ एनिमल है उसका ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, लॉयन इज एनिमल, कैट इज एनिमल, व्हाइट लाइन इज एनिमल, एवरीथिंग कैन गो इनटू द लिस्ट विच इज एक्सपेक्टिंग एन एनिमल, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ क्या इसमें मैं ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता हूं, L1 डॉट ऐड जैसे मैंने ये करा है, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट कर लूं, हो सकता है क्या, L1.add, ठीक है, नहीं हो सकता, और कोई आइडिया, सिग्नेचर देखो फिर बताओ,
सिग्नेचर मतलब पहली लाइन जो होती है, सिग्नेचर से क्या पता चल रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है एनिमल टाइप की या जो कुछ एनिमल है, यानी उसके चाइल्ड टाइप्स, पेरेंट टाइप नहीं। अगर अगर कोई मेथड का पैरामीटर लाइन को एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उसमें व्हाइट लाइन तो डाल सकते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइन अगर एक्सपेक्ट कर रहा है लाइन को तो उसका चाइल्ड हो जाएगा, लेकिन उसमें एनिमल पास नहीं कर सकते, सुपर टाइप पास नहीं कर सकते, वाइस वर्सा वाला जो केस आपको बताया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं जाएगा, राइट। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट डालना चाहूँ तो आप देख लीजिए, न्यू ऑब्जेक्ट, क्या प्रॉब्लम बता रहा है, द मेथड एड एनिमल, जो मेथड एड है वो एनिमल एक्सपेक्ट कर रहा है, इन द टाइप लिस्ट ऑफ एनिमल, जो कि लिस्ट बनी है एनिमल के लिए ही बनी है, तो एनिमल हो या कोई भी ऐसी चीज जो एनिमल हो, चाहे लायन हो कैट हो, विच इज एन एनिमल, इज अ रिलेशनशिप, शुरू से फर्स्ट सेकंड क्लास में मैं इधर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ आपसे, हैज रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इवन द इज इवन द पेरेंट क्लास ऑफ, ठीक है, क्लियर है, तो ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहां पे हमने ऑब्जेक्ट करा होता, ठीक है, और साथ में यहां पे भी हमें ऑब्जेक्ट करना पड़ता, और ये करने का मतलब होता कि हम अगर इसको ऐसे ही सिंपली ऐसे ही छोड़ देते तो भी वही, उसका मतलब यही होता कि वो ऑब्जेक्ट ही है। अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा तो भी उसका मतलब होता कि ऑब्जेक्ट ही है, तब उस केस में ये कोड देखिए अब कंपाइल कर गया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एनिमल इज अ ऑब्जेक्ट, कैट इज अ ऑब्जेक्ट, लाइन इज अ ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट, इफ आई राइट अ क्लास स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज द यूनिवर्सल सुपर क्लास, सो इफ आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट विच कैन एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट, सो दैट्स फाइन, एवरीथिंग कैन गेट इनसाइड दैट, बट अगेन वी आर ब्रेकिंग द डेफिनेशन ऑफ अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अरे लिस्ट, द डेफिनेशन ऑफ अरे इज इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, होमोजीनिटी अब कहाँ रह गई फिर इसमें, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो गए ना, जब तक हम एनिमल कह रहे थे तब तक हम कह रहे थे एनिमल या जो कुछ एनिमल है, यानी एनिमल टाइप का, ठीक है, कंपेटिबिलिटी देखते हुए, तो वहां पे होमोजीनिटी थी, लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया तो होमोजीनिटी हमारे पास से खत्म हो गई, तो वी आर ब्रेकिंग द डेफिनेशन ऑफ अरेज, इनफैक्ट इन जनरल एनी लिस्ट, ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, यू शुड नॉट डू दिस, ठीक है। टाइप चेकिंग का मतलब ही यही है कि रन टाइम में आपको पता है कि इसमें आप एनिमल ही ऐड कर सकते हैं, जब आप आइट्रेट करके एलिमेंट बाय एलिमेंट रिट्राइव करेंगे तो फॉर लूप में जो आप एलिमेंट का टाइप बनाएंगे वो एनिमल ही बनाएंगे, फिर जो मेथड आपको चलाएंगे वो सारे एनिमल और उनके सब टाइप में मौजूद होंगे, तो न तो रन टाइम में JVM को ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसको पता है एनिमल या उसका कोई सब टाइप है, ठीक है, और जो भी मेथड आप एनिमल के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मौजूद है वो सारे मेथड आप कॉल कर सकते हैं, तो कभी भी रन टाइम पे किसी पार्टिकुलर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन न मिलने की वजह से या गलत क्लास आने की वजह से किसी भी तरह का रन टाइम एक्सेप्शन या नहीं आपको मिलेगा, सो यू आर मेकिंग योर कोड मोर फास्टर, मोर ऑप्टिमाइज एज वेल एज मोर रोबस्ट, तो रोबस्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। जनरिक का फीचर 1.5 जावा 1.5 में ऐड हुआ था, उससे पहले यहाँ पे आप सिंपली ऐसे यूज करते थे लिस्ट L1 इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ऐसे ही आप यूज करते थे उसको 1.4 तक, तो इसका मतलब तब तक ये कोड इतना रोबस्ट नहीं था, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जावा 1 को जावा 1 पे कहते हैं, जावा 2 को 1.2 कहते हैं, इनके बीच भी वर्जन है 1.1 इस तरह करके वर्जन है, तो जावा 3 को 1.3 कहते हैं, जावा 4 को 1.4 कहते हैं, जावा 5 को 1.5 कहते हैं, लेकिन जो आप बुक्स देखेंगे आप देखेंगे जावा 2 के पास सीधे जावा 5 कवर करती है, पुरानी बुक्स अगर आप देखें, इसका मतलब जावा 1.4 तक को जावा 2 ही कहा जाता है, और फिर सिंपली जावा 5 कहा गया इसलिए क्योंकि जावा 1.5 में 1.4 के मुकाबले में ड्रास्टिक चेंजेस आए, पूरे मतलब काम करने का जो तरीका है वो एक तरह से पूरी तरह से चेंज हो गया, ठीक है। 1.5 में ही आपके इसके अंदर क्लास भी ऐड हुए थे, कंसोल क्लास भी ऐड हुए थे, ये सारे क्लासेस भी ऐड हुए थे, ठीक है। उससे पहले स्कैन करना यानी कीबोर्ड से रीड करना अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता था, ठीक है, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जावा 1.5 में इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि उसको सीधे कहा गया जावा 2 से जावा 5 कहा गया, ठीक है, क्लियर है।
फिर उसके बाद जो चेंजेस आते रहे एक सीक्वेंस में, एक मतलब ऐसा नहीं कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस आए, थोड़े 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 करके आते गए, ठीक है। बट जावा 1.5 इज समथिंग विच वॉज अ यू नो काइंड ऑफ अ न्यू क्या कहते हैं, एक तरह से नया एक वो तरीका ही कर दिया मतलब जावा को देखने का, ठीक है। सो नाउ वी आर क्लियर विथ abstract classes, we are clear with concrete classes, and we are clear with interfaces. ठीक है, all the three could be used as a super type. The method defined in the super type is going to be the contract, and you can only use those method to get the code compiled. In actual, the method which is going to get the call depends upon dynamic binding, and that will depend upon the right side. That means the new keyword के बाद कौन सा object आप बना रहे हैं, ठीक है, clear है बात? Now let's come to the variables of interface. अच्छा देखिए, अभी interface से पहले मैंने abstract नहीं लिखा है, right? Interface is something which is completely abstract. अगर मैं लिख दूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, right? कई बार ऐसे कोड भी आपके सामने लिख करके आएंगे, पूछेगा, आपको लगेगा कंपाइलेशन एरर आ जाएगी क्योंकि आपने वो कोड देखा नहीं होगा, ठीक है। बट व्हेन आई से समथिंग इज बाय डिफॉल्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट, दैट मींस यू कैन पुट द कीवर्ड और यू कैन नॉट पुट द कीवर्ड, दैट्स अप टू यू। व्हेन यू हैव द ऑप्शन, व्हाई विल यू राइट अ सिंगल वर्ड ऑफ कोड एक्स्ट्रा? यू विल नॉट राइट इंटरफेस एज एन अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बट इफ इवन दो यू राइट, यू डजंट मीन एनीथिंग न्यू, इट जस्ट मीन्स दैट इंटरफेस इज एन अब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, ठीक है। मेथड के पहले आप अब्स्ट्रैक्ट लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रहा बॉडी नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट है ये, आपने लिख करके उसको बता दिया, वर्बोज कर दिया, अदरवाइज आप वर्बोज ना करें। हमें इंटरफेस से ही पता चल रहा है कि सारे के सारे मेथड आपके अब्स्ट्रैक्ट ही होने वाले हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। लेकिन अगर कहीं आप लिखा हुआ कोड देख लें तो आप ये मत समझिए कि कंपाइलेशन में एरर आएगी, कोड विल कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स में थोड़ा सा मैं आपको मतलब कॉशन के साथ में बताऊंगा, क्योंकि जावा 9 आया था फिर हटा दिया गया ओरेकल के साइड से, तो जावा 8 इस वक्त है और 8 के बाद सीधे 10 आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा जावा 8 की, एक्चुअली जावा 9 तक था। तो उसमें क्या हुआ था कि इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ आप जावा 9 तक या अभी जो करंट वर्जन है जावा 8 है उसमें सिर्फ आप फील्ड्स को डिक्लेयर कर सकते थे, और फील्ड्स का मतलब वहां पे सिर्फ कांस्टेंट हो सकता था। फील्ड का मतलब वेरिएबल भी हो सकता है, फील्ड का मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, तो फील्ड इज अ जनरल टर्म, ठीक है। अगर मैं फील्ड कहूँ तो वो कांस्टेंट के लिए भी कहूंगा, वो वेरिएबल के लिए कहूंगा। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, यानी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। एक कंटेनर जिसमें एक चीज आपने डाला निकाला, फिर कोई और चीज उसमें डाल दीजिए, कोई और वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज वेरिएबल। बट अ कांस्टेंट इज समथिंग, आपने एक चीज डाल दी, यू डू नॉट हैव अ नीड टू चेंज इट एवर। जैसे फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिकल कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। आपने एक बार उसको लिख दिया, अब उसको कोड में कोई गलती से भी चेंज करें तो क्या होगा, पूरी कैलकुलेशन जहां जहां आपने क्लाइंट कोड में करी होंगी, जहां जहां यूज करा होगा उस क्लास को, वो प्रॉब्लम कर देगा, राइट। तो इसका मतलब आप उसको क्या बनाना चाहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहेंगे, यानी एक कस्टम बनाना चाहेंगे। तो इंटरफेस टिल जावा 1.9 कुड हैव ओनली आपके दे कैन हैव ओनली कांस्टेंट्स, ठीक है। वी विल आल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ओनली, देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर दे आर अलाउइंग वेरिएबल्स, बट इट्स रादर ब्रेकिंग द सेल्फ प्रोटोकॉल। मतलब मुझे भी वो बात पसंद नहीं आई, क्योंकि इंटरफेस बना किसी पर्पस के लिए था, उसको उन्होंने खुद ही डाइल्यूट कर दिया। एनीवेज दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, आप उसमें समझ सकते हैं, आगे पढ़ना चाहें अगर, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटरफेस अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कोड, आप समझ जाए किस कंडीशन में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उनको यूज करना है, ऑल दोस थिंग्स। बट द बेसिक फंडामेंटल द पर्पस फॉर विच इंटरफेस वाज मेंट इज टू हैव अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं कोई कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करूँ, से फॉर एग्जाम्पल इंटीजर पाई, पाई को फ्लोट करेंगे, राइट, इंटीजर करना तो कोई मतलब नहीं बनता है, फ्लोट पाई ऐसे छोड़ दूं जैसा कि हम पहले करते थे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू लेता था अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो, बट हाँ नहीं गार्बेज वैल्यू नहीं, इंटीजर है तो जीरो लेगा, फ्लोट है तो 0.0 लेगा,
ठीक है, डबल है तो भी 0.0 लेगा, कैरेक्टर है तो एम्प्टी कैरेक्टर लेगा, राइट। स्ट्रिंग है या कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो क्या लेगा, नल लेगा। इंस्टेंस वेरिएबल विल ऑलवेज पिक अ डिफॉल्ट वैल्यू, मेथड लोकल वेरिएबल विल नॉट पिक अ डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल वैल्यू। इफ यू डिक्लेयर अ मेथड लोकल वेरिएबल यू हैव टू इंस्टेंशिएट इट बिफोर यू आर गोइंग टू यूज इट, अदरवाइज द कंपाइलर इज गोइंग टू गिव अ कंपाइलेशन एरर। ठीक है, करके देख लेना, मेथड लोकल वेरिएबल को आपने इंस्टेंशिएट नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया है और फिर इसको प्रिंट करने की कोशिश करो, हाँ तो वो आपको कंपाइलेशन एरर वापस देगा। ठीक है, जब भी हमने कंपाइलर ही दे देगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये देखिए एरर यहां दे रहा है, द ब्लैंक फाइनल फील्ड पाई मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो जब भी किसी चीज को आपने कोई चीज नहीं बनाया है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने नहीं बनाया था लेकिन वो कह रहा था इंटरफेस के लिए द एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव द बॉडी, है ना, ऐसा कुछ मैसेज दे रहा था आपको, तो आप समझ जाए कि बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट बना है। इसी तरह ये कह रहा है द ब्लैंक फाइनल फील्ड पाई मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, यानी इसका मतलब क्या है, जो पाई आपने बनाया है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट फाइनल है, और चूंकि ये फाइनल है तो इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये कांस्टेंट आप बना रहे हैं, कांस्टेंट कोई वैल्यू आपको इनिशियली देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो वो क्या समझेगा उसको, वो वेरिएबल की तरह हो गया, आगे चल के आप तो कोई वैल्यू दे रहे हैं, राइट, फाइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इंटरफेस में कोई वैल्यू, कोई अगर फील्ड बना रहे हैं तो उसको आपको इनिशियली वैल्यू देनी पड़ेगी, 2.14f फॉर एग्जाम्पल, बन गई, राइट। अब कांस्टेंट का एक कन्वेंशन है, जैसे वेरिएबल का कन्वेंशन क्या था और मेथड का कन्वेंशन क्या था, क्या बोलते हैं उसको, मेथड और वेरिएबल को लिखने का कन्वेंशन क्या था, कैमल केस। क्लास का नाम लिखना है तो हर क्लास का पहला कैरेक्टर वर्ड का, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कैरेक्टर कैप्स में रहेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर हर वर्ड के, क्लास में अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर क्या होंगे, कैप्स में होंगे। ये क्लास का कन्वेंशन था, वैसे ही कांस्टेंट का कन्वेंशन ये है कि आप इसको कुछ ऐसे देंगे पाई, ठीक है, अगर एक से ज्यादा वर्ड दे रहे हैं तो अंडरस्कोर से करेंगे और हर चीज कैप्स में रहेगी, तो ये देखते ही आदमी समझ जाएगा कि ये क्या है, ये फील्ड जो है कांस्टेंट है, यहां आपने फाइनल नहीं लगाया लेकिन वो कांस्टेंट है, और ये फील्ड क्या है, ये फाइनल भी है, फाइनल, फाइनल क्या है, इस पे आते हैं, ठीक है, इसको फाइनल पहले जाना चाहिए, टाइप से पहले ये करना है, ठीक है, ये फाइनल भी है, चाहे आप लगाए चाहे ना लगाए फाइनल है। फाइनल का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को अगर आप फाइनल कह रहे हैं, किसी भी चीज को, आप फील्ड को भी फाइनल कह सकते हैं, ठीक है, आप मेथड को भी फाइनल कह सकते हैं, आप क्लास को भी फाइनल कह सकते हैं, ठीक। तो अगर किसी भी चीज को आप फाइनल कर रहे हैं तो अगर आपने उसको एक बार फाइनल बना दिया तो उसकी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप फिर दैट इज फाइनल, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। अभी मैं रीडिफाइंड वर्ड यूज करने से थोड़ा सा बचूंगा, मैं सिंपली ये कहूंगा व्हाट एवर इज डिफाइंड एज अ फाइनल और व्हेन यू पुट अ फील्ड फाइनल बिफोर एनी वर्ड, राइट। In fact, in the case of interface, you do not need to put the final keyword because that's by default any field is final. तो आप लगाएं चाहे ना लगाएं, एक ही मतलब है दोनों का। लेकिन अगर आपने final put कर दिया है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि that value is final now. अगर field के पहले कर रहे हैं आप, मतलब क्या हुआ कि अब ये pi number आपका है, sorry. अब आप जाएं line में. Line is a abstract class. It has some methods which have got implementation also. So it may have access to the variable. It may have access to the variable, which is pi variable. देख लीजिए दिख रहा है क्या? Pi दिख रहा है, pi number दिख रहा है. Pi number आपने लिया is equal to 8.95 some value आपने assign करने की कोशिश की, floating point value. आपको error मिलेगी compilation में, क्या error मिलेगी? The final field animal dot animal मतलब animal interface का part है वो. डॉट पाई अंडरस्कोर नंबर कैन नॉट बी असाइन। तो अगर गलती से भी कोई कोड लिखते वक्त उसको बाय मिस्टेक उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा तो उसका पूरा इंपैक्ट जहां जितनी जगह भी आपने इसको यूज कर रखा होगा पाई नंबर फील्ड को, वो हर जगह उसका हर कैलकुलेशन में उसका असर पड़ जाएगा। तो वो उसको भी गलती से ना हो पाए, कोई डेवलपर गलती से ना कर पाए, इसके लिए यहाँ पे आपको कंपाइलर रोक देगा आपको, ठीक है, क्या बोलेगा कि आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल रीजन क्या है आपका,
जो फील्ड पाई नंबर है वो क्या है, फाइनल है वो, फाइनल, ठीक है। सो ऑल द फील्ड्स आर मेंट टू बी केप्ट एज फाइनल इन अ इंटरफेस, ठीक है। फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है अगर हम इसको यूज कर रहे हैं इंटरफेस में। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, अगर हम कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहें अब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो क्या होगा, लाइन इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहां पे हम कुछ डिक्लेयर करना चाहें अगर फील्ड फाइनल, क्या करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ इंटरफेस, इट्स स्टिल अ क्लास, तो क्लास के रूल अप्लाई होंगे, हमें फाइनल कीवर्ड तब यूज करना पड़ेगा। फाइनल ए ऐसे छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते, फाइनल है तो इनिशियल वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, और एक बार इनिशियल वैल्यू दिया तो कहीं और आप कोड में चेंज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। फाइनल ए इज इक्वल टू, फाइनल टाइप भी देना पड़ेगा, इंटीजर ए इज इक्वल टू से 5, ठीक है। अब इस कोड में या इसके सब चाइल्ड जो वाइट लाइन है उसके कोड में कहीं भी जाकर के अगर आप दोबारा से चेंज करना चाहेंगे इसको, ए इज इक्वल टू 7, सो दिस विल नॉट वर्क। सेम एरर, द फाइनल फील्ड लॉयन डॉट ए, लॉयन का जो ए फाइनल फील्ड है कैन नॉट बी असाइंड अ वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फाइनल हो गई, दैट फाइनल नाउ, ठीक है, फाइन। अगर ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना हो करके अगर हम नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में होते हैं, यहां पे हमें कोई कांस्टेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगेन फाइनल, बिकॉज इट्स अ क्लास, हमें फाइनल कीवर्ड लगाना पड़ेगा, सिर्फ इंटरफेस में फाइनल कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो क्या है, फाइनल है। फाइनल से स्ट्रिंग आपके पास यूज कर लें, स्ट्रिंग बी अंडरस्कोर, कन्वेंशन में यूज कर रहा हूं, ऐसे छोड़ेंगे तो हमें एरर मिलेगी, क्या एरर मिल रही है, द ब्लैंक फाइनल फील्ड बी स्ट्रिंग मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, आपको रिशलाइज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ फाइनल फील्ड, तो आप इसको करिए आइदर डबल कोट के अंदर और न्यू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज करके। फर्स्ट टाइम रिशलाइज कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम रीअसाइन कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, हो जाना चाहिए, देख लेते हैं अभी देख लेते हैं। स्ट्रिंग वेयर बना रहा हूँ, इट्स अ नॉन फाइनल वेरिएबल, राइट, इसको मैं डबल कोट में डाल दे रहा हूँ वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि ये चीज यहाँ पे ये ना हो करके बल्कि क्या है हमारे पास, वेयर, एक बार करेंगे, अब आप चेंज करने की कोशिश करो तो नहीं करेगा ये, चेंज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसको कोड में जाना पड़ेगा, मेथड में जाना पड़ेगा, तो लेट मी से अगर मैं मेथड लिख रहा हूँ पब्लिक टेस्ट, वर्ड कर दें इसको वर्ड टेस्ट, एंड देन वी हैव दिस मेथड एंड देन वी विल सी बी स्ट्रिंग इक्वल टू अंडर डबल, वायर को तो कर सकते हैं, बी स्ट्रिंग को नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है, इसको नहीं कर सकते, ये तो आप क्लियर है, राइट। अभी बी स्ट्रिंग को प्रिंट करके देख लो, जो दोनों करके दिखा देता हूं मैं, बी स्ट्रिंग बी अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये प्रिंट कर लिया, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होगा आपको बी स्ट्रिंग में, क्या प्रिंट होगा, वर्ल्ड प्रिंट होगा, राइट, लेकिन कॉल नहीं किया ना हमने इसको, पहले कॉल तो करें, व्हाइट लाइन एक नई टेस्ट क्लास ही बना लेते हैं, ये किसके अंदर था, ये टेस्ट के अंदर, ठीक है। क्लास का नाम क्या था, नाम एनिमल का ही दे दें, एनिमल दे के यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट लाइन का पार्ट है वो, एनिमल के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो व्हाइट लाइन, व्हाइट लाइन इज इक्वल टू न्यू व्हाइट लाइन, क्लास बना दिया,
system.out.println white line dot क्या नाम था ये था राइट हाँ प्रिंट होगा ना वो एक बार प्रिंट करते हैं फिर चेंज करके देखते हैं कौन प्रिंट हो रहा है अब व्हाइट लाइन पे जाते हैं अब आप कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू डबल कोट्स हेलो दिस इज पॉसिबल राइट बिकॉज इट्स अ वेरिएबल वेयर इज अ वेरिएबल फिर उसके बाद हम दोबारा से प्रिंट करके देख लें ठीक है मेथड को कॉल किया हमने राइट हाँ एक काम करते हैं हम मेथड ही कॉल कर लेते हैं चूंकि इसमें दोनों बार कॉल हो जा रही है ना डब्ल्यू एल डॉट क्या मेथड का नाम क्या था किस मेथड में था टेस्ट में था राइट दोनों कॉल इसके अंदर मौजूद हैं एक चेंज करने से पहले एक चेंज करने के बाद दूसरा प्रिंट नहीं कराया ठीक है गाइस ओके जो फाइनल हो गया तो फाइनल हो गया वो नहीं चेंज होने वाला वेरिएबल चेंज हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके रेफरेंस को यूज कर रहा है उसने रेफरेंस के ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू निकाल के डाला है एक्चुअली ठीक है ऐसे आप समझो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ये मतलब पाथ बाय रेफरेंस नहीं रह गया अब ठीक है या रेफर बाय रेफरेंस कहिए पाथ बाय तो मेथड की बात होती है ना वो नहीं रह गया अब रेफरेंस की बात ही नहीं हो रही है ये तो वैल्यू निकाल के फिक्स कर दिया ना उसकी आई बात समझ में कि नहीं आई नहीं वही बता रहा हूँ तुम्हें देखो दिस इज अ वेरिएबल इसकी वैल्यू वर्ल्ड है स्ट्रिंग में जब आपने वेयर कहा तो वेयर के अंदर क्या है वेयर के अंदर तो एड्रेस है ना तो एड्रेस असाइन नहीं हो रहा है वो क्या हो रहा है उसकी अगर ये फाइनल नहीं होता बी स्ट्रिंग तब उसका एड्रेस असाइन होता तब वेयर में चेंज में ये बी स्ट्रिंग में चेंज होता लेकिन अभी क्या हो रहा है बी स्ट्रिंग चूंकि फाइनल है तो एड्रेस असाइन नहीं हो रहा है इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट फील्ड तो उसकी वैल्यू को निकाल के फिक्स इसमें डाल रहा है ताकि वो कॉन्स्टेंट रहे चेंज ना हो फिर उसके बाद अगर हम फिर अगर प्रिंट करा हमने तो पुरानी वैल्यू वर्ल्ड मिली फिर हमने वेयर को चेंज कर दिया हेलो में तो दोबारा प्रिंट करा तो भी हमको वर्ल्ड ही मिल रही है क्लियर हो गया कोई डाउट तो हमने देखा फील्ड्स को अगर हम फाइनल बनाए तो वी कैन नॉट चेंज द फील्ड ठीक है अगर हम जैसे ईट मेथड है राइट इसको फाइनल बना दें ऑल द सब्जेक्ट क्लास ठीक है तो डिफिनेशन वाइज फाइनल का मतलब क्या हुआ ईट मेथड कैन नॉट बी चेंज एंड अ मेथड कैन ओनली बी चेंज थ्रू ओवरराइडिंग मेथड का बिहेवियर ही तो चेंज करेंगे आप और बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं ओवरराइडिंग से इसका मतलब ईट का जो सब ये जो ईट मेथड जो डिक्लेयर्ड है लाइन क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है डिफाइंड है रादर डिफाइंड है इसका जो चाइल्ड क्लास है वाइट लाइन है ये अगर पुराने आने वाले ईट मेथड को अगर चेंज करना चाहे तो कैसे कहेगा वो मेथड की सेम सिग्नेचर में यूज कर लूंगा हाँ तो देखते हैं क्या होता है फिर ओवरराइड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा वो तो हमने डिफिनेशन बताया ना कि ओवरराइड हमें नहीं करने देना चाहिए है ना तो एरर देगा आपको अगर हमने बॉडी प्रोवाइड कर दी इसका मतलब ओवरराइड करना चाह रहे हैं हम ये क्या एरर दे रहा है देखिए कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम लाइन ओवरराइड ओवरलोड कर सकते हैं आप ईट के अंदर एक पैरामीटर डाल दीजिए स्ट्रिंग एरर गोस ओवरलोडिंग अलाउड है वो डिफरेंट मेथड हो गया ना डिफरेंट वर्जन हो गया उसका मेथड का राइट ओवरराइडिंग मीन्स सेम सिग्नेचर ओवरराइडिंग मतलब उस सेम सिग्नेचर वाले बिहेवियर को चेंज करना आप बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते आप वो पॉसिबल नहीं है ओवरलोडिंग कर सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्लियर है सो इफ अ वेरिएबल इज इफ अ फील्ड इज डिक्लेयर्ड एज़
final, that means it's a constant and its value cannot be changed anywhere in the code. That means you cannot write a code to assign a new value to that particular field, which is a constant. If a method is declared as final, that means you cannot change that method. And changing method means you cannot override that method in the child class. ठीक है अभी change से ही update करो. Change delete करो, आपको याद आ जाएगा कि मतलब क्या है उसका. If a class itself is declared as final, फिर extend नहीं हो पाएगी. If a class is declared as, say for example, इसको मैं बोलूं final. If a class is declared as final, then see error आपकी कहाँ आ रही है? इस line पे आ रही है, पहली line पे, extend line पे. The type void line cannot subclass the line class. So if a class is declared as final, that class cannot be changed. And the only way a class can be changed is through by subclassing it. ठीक है, या extend करने के through. उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं? नया extension provide कर सकते हैं, override कर सकते हैं methods को. तो किसी तरह से पुरानी class के behavior को आप change कर सकते हैं, right? So you cannot change it. By the way, for your knowledge, string class, the class string is final. Class string को आप देखें. This class string is final. So you declared a class as final when you are very much certain that you are not going to make any changes in the class definition. ठीक है? ठीक है? और no one else should be. क्यों? क्योंकि string जो है ये जो आपके object pool वगैरह हैं, इन सब से interact करता है performance के optimization के लिए. ठीक है? अब वो काम आप कोड लिख करके नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की APIs को यूज करना पड़ेगा. ठीक है? सो देयर विल बी नेवर अ रीजन दैट यू विल बी विशिंग टू ओवरराइड द और एक्सटेंड द स्ट्रिंग क्लास टू गिव इट अ न्यू बिहेवियर व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्ट्रिंग क्लास और चेंज एनी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रिंग क्लास. सो दैट इज व्हाई दे हैव मेड दिस क्लास एज फाइनल, ताकि इसको कोई एक्सटेंड करके इसको चेंज ना कर पाए. राइट, सोर्स कोड भी चेंज करना एक अलग बात है. आपको सोर्स कोड, चूंकि ओपन सोर्स है, सोर्स कोड आपको मिल रहा है, वहां पे आप चेंज करके पूरे पूरी लाइब्रेरीज को कंपाइल कर लें, फिर से बिल्ड कर लें और फिर यूज करें, वो एक अलग सी बात है. ठीक है, उसको ही फाइनल हटा दें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, गाइस, तीनों का मतलब समझ में आया? If a field is declared as final, you cannot initialize, reinitialize the field, or you cannot give any new value to the field anywhere in the code. If a method is declared final, then you cannot change the method. That means you cannot override the method. That is the only way how we change a method definition. Method definition. Okay? If you make a class as final, that means you cannot change the class. And changing a class means subclassing it. You cannot subclass it. ठीक है, उसका सब क्लास आप नहीं बना सकते या उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. सिंपल बात. ठीक है, क्लियर है गाइस? एनी डाउट्स टिल नाउ? रुके, आगे बढ़े. नमाज भी तो बहुत टाइम है बेटा, और नमाज दो दो होती है, नमाज भी दो दो होती है. मैं पूछता हूँ जब रुक जाने को, तो इसलिए होता हूँ कि ऐसा नहीं कि आज सफिशियंट आपको मिल गया हो और अब ग्रेस करना मुश्किल हो रहा हो, इस वजह से पूछता हूँ. हॉस्टल में रहते हो क्या? चलो खैर, तो इसको आप अपलोड कर दूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करके आना.